तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स। दिस इज अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स के बारे में, कैसे वर्कआउट करता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। एक टेक्नोलॉजी, एक एक टर्म पढ़ेंगे अपन और पूरी तरह से समझते चलेंगे कि कैसे काम करता है कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द अ सेल। ठीक है, तो हमने एक सेल बना लेते हैं पहले जल्दी से रफ वे में। ये 2 हाफ सेल्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रोड रहेगा हमारे पास, तो मैंने सेम इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। दैट इज ऑफ, मैं एग्जाम्पल के ले लेता हूँ, जिंक का ले लेता हूँ। ये दिस इज ऑफ जिंक रॉड, दिस इज ऑल्सो जिंक रॉड। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम ले लेंगे, लेडन सल्फर का कंसंट्रेशन ले लेते हैं सेम मेटल का होना चाहिए सोल्यूशन हमारे पास। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ZnSO4 एक्वस में, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ZnSO4 एक्वस में। नाउ कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तभी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल बनेगा यहाँ पे हमारे पास, तभी तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सेल पढ़ पाएंगे अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दोनों का कंसंट्रेशन थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ, इस सॉल्यूशन का दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। तो लेट अस सपोज कि मैंने इसका कंसंट्रेशन ले लिया 0.10 मोलर, इसका मैंने ले लिया 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देता हूँ। ये रफ वे में मैंने एक सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। नाउ ये सेल बन गया हमारे पास। नाउ अब सपोज करो कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी यहाँ पे। सेल वर्क करेगा नहीं करेगा वर्क, ये आपको सोचता है। तो वर्क क्यों नहीं करेगा पहले ये देखे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो सेल की जो टेंडेंसी होती है वो होती है कंसंट्रेशन को इक्वल करना। कंसंट्रेशन को इक्वल करेगा ये सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है। यहाँ पे क्या है, मोर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है या मोर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा। क्या होगा, कैसे क्रिएट होगा, जो दोनों कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल होना चाहेंगे। इक्वल कैसे होंगे, यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना चाहेगा, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, और ये कंसंट्रेशन अपना कम करना चाहेगा। अब ये कंसंट्रेशन अपना बढ़ाएगा कैसे भाई, इसको एक्स्ट्रा अगर Zn+2 आयन्स मिल जाए तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसके जो Zn+2 के आयन्स है वो अगर कम हो जाए तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहता है, दैट मीन्स कि क्या होना चाहता है, यहाँ पे Zn+2 के आयन्स यहाँ पे बढ़ने चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से जिंक के अंदर से Zn+2 आयन्स रिलीज होंगे। यहाँ से क्या होगा, जो इसके अंदर ऑलरेडी Zn+2 आयन्स है वो जिंक रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, डेट मीन्स कि क्या होगा, जिंक रॉड के अंदर से Zn+2 आयन्स रिलीज होंगे। तो Zn सॉलिड क्या कर रहा है, Zn+2 की फॉर्म में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है दोनों रॉड। तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे, इधर की तरफ फ्लो करेंगे, करंट फ्लो होगा यहाँ पे। करंट फ्लो होगा तो ये सेल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे सेल तो वर्क करेगा,
ये समझ में आ गई हमें बात। तो यहाँ पे इस चीज हो रही है, और इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn+2 के आयन जो है वो रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Zn+2 आयन्स एक्वस में है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे जो वायर्स के थ्रू यहाँ पे फ्लो हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, जिन सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा रोड के ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल रिएक्शन ये Zn सॉलिड से कट हो गया, टू इलेक्ट्रॉन से कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं नॉलेज के लिए लिखना चाहूँ तो ये जो ऑपरेशन है, अगर हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि ये किसका, कौन Zn+2 की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है 0.10 मोलर। यहाँ पे अगर इसके कंसंट्रेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसकी कंसंट्रेशन 1.0 मोलर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम ये ना समझे कि दोनों चीज सेम है। ठीक है, नाउ ये कट गया, क्या बचा हमारे पास Zn+2 1.0 मोलर वाला एक्वस के अंदर, और ये किस में जा रहा है, Zn+2 एक्वस में जा रहा है, किस वाले में जा रहा है, ये 0.10 मोलर के अंदर। ज्यादा से हमेशा कम की तरफ जाएगा, तभी तो कंसंट्रेशन इक्वल होगा, ये इस रिएक्शन से हमें क्लियर भी हो रहा है। यहाँ पे 1.0 मोलर कंसंट्रेशन है इसका, 0.10 मोलर कंसंट्रेशन है, ज्यादा है कम है, रिएक्शन कंसंट्रेशन दोनों का बराबर होना है, तो ज्यादा से इधर की तरफ जाएगा, लगभग लगभग जैसे बराबर होगा वैसे रिएक्शन बंद हो जाएगी यहाँ पे होना। ठीक है, नाउ ये तो हमारे और रिएक्शन आ गई, लेकिन अब हम कैसे निकाले कि इस सेल का, पूरे सेल का वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इस चीज को कि हाउ वी विल फाइंड वोल्टेज ऑफ आवर कंसेंट्रेशन सेल। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए इस चैप्टर के अंदर हमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं, इट इज नेस्ट इक्वेशन। नेस्ट इक्वेशन क्या करता है, नेस्ट इक्वेशन अलाउ अस टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सेल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या करता है, हमें अलाउ करता है ताकि हम किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाल पाए। नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को क्या, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 एन लॉग क्यू, व्हाट इज एन, दिस इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें पता लग गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। व्हाट इज क्यू, क्यू इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ सेल, व्हाट इज क्यू क्या कहता है हमारा, क्यू क्या कहेंगे हम यहाँ पे, क्यू इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ना प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है जहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या लेस है, तो हम यहाँ पे नॉलेज के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये लेस कंसेंट्रेशन रहेगा, और यहाँ पे रिएक्टेंट में कंसेंट्रेशन कितना है 1.0, दैट इज मोर कंसेंट्रेशन देन दिस कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोर। ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, कितनी वैल्यू इसकी, 0.10 अपॉन 1.0। ठीक है, यहां तक हम क्लियर लिख लेते हैं, और अब बात करते हैं कि ई नोड सेल क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई नोड सेल क्या होता है, तो ई नोड सेल क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ आपको पहले, ई नोड सेल क्या होता है, यहाँ पे ई नोड सेल इज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि ई नोड सेल की वैल्यू होगी 0, वो 0 कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ बस एक बार, ठीक है, रफली आइडिया के लिए कि ई नोड सेल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 0 कैसे होगी वो अगर रिवीजन हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल,
क्या होता है स्ट्रेंड सेल पोटेंशियल? स्ट्रेंड सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल ये सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन को देखें, अगर हम इस पूरी कंडीशन को देखें हम, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, जब कंसेंट्रेशन कितना हो 1 मोलर हो, डेट इज 1 मोलर ऑफ Zn+2 का कंसेंट्रेशन 1 मोलर होगा तो हम इसको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसी कंडीशन को मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरफ रिडक्शन होगा, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा। मैं रिडक्शन की बात कर लेते हैं पहले, अपन रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, Zn+2 जो आयन्स है एक्वस के अंदर, ठीक है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन है इसका भी, दोनों तरफ 1 मोलर 1 मोलर रहेगा स्टैंडर्ड में। तो यही होगा, Zn+2 आयन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा, Zn सॉलिड बना लेगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती है -0.76, ठीक है। नाउ एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, Zn सॉलिड जो है वो Zn+2 में जाएगा, Zn+2 में गया, 1 मोलर कंसेंट्रेशन होगी इसकी भी, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। जब इसका ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमेशा क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ई नॉट रिडक्शन। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, +0.76 हो गई। नाउ अगर मैं ई नॉट सेल की बात करूं, तो ई नॉट सेल क्या होता है हमारे पास, ई नॉट सेल की बात करूं तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन, जो कि कितना हो गया, माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगी, वैल्यू 0 हो गई। तो डेट मीन्स कि ई नोट सेल की वैल्यू 0 कैसे हुई, इसलिए 0 है यहाँ पे। क्यों ही 0, क्योंकि यहाँ पे सेम कंसेंट्रेशन था, और जब सेम कंसेंट्रेशन रहेगा तो वहां पे देर विल बी नो वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज डिफरेंस नहीं हुआ तो वो सेल जो है पूरी तरह डिस्चार्ज है। तो उसी को जब सेल डिस्चार्ज होता है तो ई नोट की वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मैं नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, पेस्ट इन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं वापस लिख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू। लॉग क्यू की वैल्यू मैंने प्रीवियस पेज में बताया आपको, मैंने वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, ई नॉट सेल की वैल्यू हमने निकाली थी 0, -0.0592। एन की वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 2। लॉग क्यू की वैल्यू हम लिख चुके थे यहाँ पे, तो वही लिख सकते हैं यहाँ पे 0.10 अपॉन 1.0, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको अपन, 0.10 अपॉन 1.0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी, है ना। तो क्या ये हो गया हमारा 0 -0.592 अपॉन 2, और वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -1 वैल्यू आ गई, ठीक है। कितना हुआ आंसर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर आ गया हमारे पास 0.02 3276 आंसर आ गया हमारे पास। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, और वैल्यू किसमें आई, पॉजिटिव में आई वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आई। डेट मीन्स कि सेल जो है हमारा वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस सेल है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स
पॉजिटिव वैल्यू मीन्स सेल इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर यहां पे? कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जब सेल वर्किंग है यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जब सेल वर्किंग है धीरे धीरे क्या हुआ, कंसेंट्रेशन इक्वल होना चाहेगा। जैसे कंसेंट्रेशन इक्वल होना चाहेगा तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जैसे वैल्यू बराबर हुई दोनों की, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन डिफरेंट कंसेंट्रेशन ट्राई टू बिकम इक्वल, ट्राई टू बिकम इक्वल, तो क्या होगा यहां पर? यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी तो क्या, दैट मीन्स कि क्या हुआ, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। क्यू की वैल्यू वन होते ही लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, और जब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब ऐसा होगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन अगेन सेम हो जाएगा तो ई नॉट, हाँ सॉरी, ई सेल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जब ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो सेल क्या होता है, पूरी तरह डिस्चार्ज रहता है, सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, पोटेंशियल निकालना देख लिया, नेक्स्ट इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना देख लिया, और कंसेंट्रेशन ऑफ सेल क्या होता है वो हमने निकालना देख लिया। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे।